जय गुरु समस्त को यही तथ्यभित्तिक जाजन सीरीज्रे स्वागत जनाए। आज मोर आलोचनार विषय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र दृष्टि इष्टवृत्ति नियमित भाव निवेदन कले आमर कौन उन्नति साधित हुए। इष्टवृत्ति प्रसंगटी बहुत ही बड़ प्रसंग मुष्टवृत्ति प्रसंगटी को छोट छोट एपिसोड्रे डिड करू तथ्य अनुजाई आलोचना करी तेरे एहिटी इष्टवृत्ति उपरे मोर प्रथम एपिसोड तेबे चालंतु आरंभ करिबा आजिर आलोचना। जेतेबेले केही भी हेले मध्ये श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्रंकर पवित्र सद् दीक्षार दीक्षित हुवंती सेतेबेले तांकु इष्टवृत्ति अर्घ्य निवेदन करिबाकु हुए एवं ए इष्टवृत्ति अर्घ्य को नियमित भावरे किछि दिन करिले हि ए अर्घ्य को निवेदन करिले हि से अर्घ्य निवेदन करिबाटा सहज होइ जाय। सेतिपई खूब गोटे किसी प्रचेषा करने हुए ना से आमर कौन उन्नति हुए। श्री श्री ठाकुर कहते इष्टवृत्ति को नियमित निवेदन करने द्वारा यहाँ आमर सहज है गोटे उद्वृत्त शक्ति से रही जाए एवं सब कम तार साज्य मिलता है। इष्टभरण धंदा जार मन मस्तिष्क लगि रही था तार प्रवृत्ति गुड़िक धीरे धीरे सुविन्यस्त हो उठे तार सबु काम मध्य गोटाए गोटे एक सूत्र निबोध समाहार होता है तेणु बोध मध्य से लोकर फुटी उठे। ता छड़ा से केवल कल्पना विलासी हुए ना तार चिंता और कर्म मध्य गोटाए संगति थाए एपरी भाव जीवन सफलतार पथ उन्मोचित होता नित्य इष्टभोगर नैवेद्य निवेदन कर गोटाए आत्मप्रसाद लाभ करा जाए। प्रसाद मध्य प्रसार अच्छी देई पुष्ट करिबा मध्यरे पाई पुष्ट उन्नत हेबार पथ मध्य रही पुणी इष्टवृत्ति को क्रमवर्धमान करिबा को हुए। एही परी प्रचेष्टा द्वारा एही परी तपस्या द्वारा उन्नति अनिवार्य होई उठे। भोज्यटा बा पैसाटा इष्टवृत्तिर मूल कथा नुहे तार मूल कथा हला इष्ट को देबार आवेग तांकु न देई न कुआई जेमति आम मानक भल न लगे से आवेगटा दरकार तेणु सर्वाग्रे तांकर सेवार आयोजन यही आवेग जेतेबेले मनीषर अंतर निशा पर घटी जाए से तार सबु कर्मर भितर दे ही तार इष्ट को अर्घ्य निवेदन करने को चाहे जीवन रे तार जेपरी एक अफुरंत उत्साह लगी जाए। इष्टवृत्ति रे मध्य पुरुषाकार और दैवर योजन हुए यार अर्थ है पुरुषाकार अर्थ है कार्यकारी अंग आ दैवर अर्थ है अनुभूतिर अंग। इष्ट केतक कर्म कले कर्मगुड़िकर जो संचित फल तामर बोधरे धरा पड़े अर्थात केतेक अजणा जिनस जाणी हुए यार भितर दे ताफल से जणा अनुसार पर कम करने को सुविधा हुए। इष्टानुग बोध अभ्यास और प्रेरणा तदनुग कर्म प्रवृत्त करे यही भाव चले तेब ये मनरे प्रश्न आसे जेकोसी कम कले तो तार एफेक्ट अच्छी फल रही तेज केवल इष्टवृत्ति श्री श्री ठाकुर एत जोर देखते कौन पर यही प्रसंगे श्री श्री ठाकुर कहते जो मानकर कौन से आदर्श ना से बुझीपारती ना फलटा कमेरे लगे पारती ना से अभिज्ञता भी हुए ना कारण प्रवृत्ति से नाक दौड़ी जितेबले जो भाव चलाए सेपर भाव चलने को बाध्य हमें विचार विश्लेषण कर सत्ता पोषणी है चलन चली पारती ना आम मैंने प्रति प्रत्येक जितेबले सदीक्षार दीक्षित हो जाऊँ इष्टवृत्तिर अर्घ्य को नवेदन करूँ आम मानक भितर से भावती बोध हुए आमर कौन जीवन में किसी ही असुविधा होबना किंतु सेतबले जदि कौन विपरीत संघात बा विपरीत परिस्थितर आम मैंने सम्मुखीन होते अनेक मान अभिमान स्वरूप इष्टवृत्तिर अर्घ्य को नवेदन करने बंद कर दिखती तेब एपरी कहीं हुए आम मैंने ये जिनसा बुझी रखा दरकार कि भल कम आरंभ करू करू जे सांगे सांगे भल फल मिल जामती किसी कथा ना पूर्वर जो आमर खराब कम फल ता तो अवश्य ही देखा जीवो कर्मर फल तो रही रुद्ध होबना किंतु ताकू मनीष एपरी भाव में नियंत्रण करवहार करंगल छड़ा अमंगल प्रसव आदो करना खराबटा आसब किंतु ता क्षति करना यहाँ से बड़े संभव होते कौन प्रत्याशा न रखी इष्ट को इष्टवृत्ति नवेदन करवा जदि आम प्रत्याशा रखी इष्टवृत्तिर अर्घ्य निवेदन करने को जाऊ से रस मिलना अंतर आमर ए दैन्य बोध ही आमको तन्मय करना
ତେଣୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ପୁରି ଉଠିବ ନାହିଁ, ତୃପ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ହିଁ ଦେବାର ମନୋଭାବ ହେବ, ଏବଂ ଆକର୍ଷଣର ଏହା ହିଁ ନୀତି। ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆଉ କହିକି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଆକର୍ଷଣ ବା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମର ବାଧା ଦିଏ, ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରୁ, ତାହେଲେ ତାରି ମୂଳରେ ହିଁ ଆଘାତ ଲାଗେ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିୟମିତ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଉଠେ, ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ଆମେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଇଷ୍ଟମାନେ ହିଁ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତ ମଙ୍ଗଳ, ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମାହିତ ବୃତ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନର ପଥରେ ଚାଲେ, ଏବଂ ସେଇଟି ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ଜୀବନ ଚଳନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥକୁ ଉନ୍ନତି ମୁଖର କରିତୋଳେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି କିଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଉପରେ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଜୟ ଗୁରୁ।